नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन चुनाव यात्रा। आज चुनाव यात्रा पहुंच गई है बड़ौद के काशीराम कॉलोनी में। यहां पर मेरे साथ जनता मौजूद है। यहां पर जानेंगे कि 11 मई को नगर पालिका परिषद में किसका चुनाव जीतने की आशंका है, कौन सा प्रत्याशी है ऐसा जो जीत सकता है, कौन विकास की बातें कर रहा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, इनसे जानेंगे कि विकास की बातें कौन सा प्रत्याशी कर रहा है, कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो 11 मई को जीत सकता है। जी मैम, आप बताइए। कमल का फूल जीतेगा जी। कि ऐसा क्या है कमल के फूल में खास जो वही जीतेगा? क्योंकि भाजपा बहुत अच्छा काम करती आ रही है और अब भी करेगी। ऐसा कौन कौन सा काम है? आप काशीराम कॉलोनी में रहती है तो यहीं की बातें करते हैं। काशीराम में भाजपा सरकार, इससे पहले जो प्रत्याशी थे अमित राणा जी ने, उन्होंने कितना काम कराया और आने वाले जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या क्या उम्मीद रखते हो? उन्होंने भी बहुत काम करवाया जी। पानी की टंकी खराब हो जाती वो भी ठीक करवाई। हमारे जाते अगर कोई जाए ना तो अलग बात है, लेकिन हम जब भी गए तो हमारा बहुत सम्मान रखा, जब तुरंत आके ठीक करवाया उसको। कूड़े की सफाई वो करवाते हैं और यहाँ वो साफ सफाई का ध्यान भी रखते हैं। जो भी बात हम उनके सामने रखते हैं उसका तुरंत समाधान होता है। और सुधीर मान जी से भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि आगे वे भी ऐसा ही काम करेंगे। इनसे पूछेंगे कि ये किसे चाहती हैं कि प्रत्याशी यहाँ से जीतना चाहिए और कौन विकास की बातें कर रहा है? हमारे तरफ भाई कोई भी आओ, लेकिन हमें सफाई चाहिए। अगर गंदगी भरे हम आगे कुछ इस बार तो दे देंगे, आगे हम कुछ नहीं देने का किसी का भी। फिर भी ऐसा कौन सा प्रत्याशी लगता है जो आपके घर में या घर के आसपास सफाई कराएगा? यही करा सकें कमल के फूल वाले। कमल के फूल वाले, कमल के फूल वाले पहले भी यहाँ से थे तो सफाई हुई थी, कितना विकास हुआ था? थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन पूरी विकास नहीं मिल रहा हमें, सावधान पूरा नहीं मिल रहा है। ये बताएंगे कि यहाँ पे कितना विकास हुआ और आगे किस किस विकास की उम्मीद रखती हैं? ये तो कोई नहीं करवाता सफाई और सब वोट लेने के तैयार हो मैं। पर ये गंदगी है। पर किसको चाहती है, कौन जीते और सफाई यहाँ पे विकास का काम करे? कमल के फूल वाला। कमल का फूल ही क्यों, और भी ऐसे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको मौका नहीं देना चाहिए? सब सोचते हैं कि सब भला हो। आप बताइए कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीतना चाहिए? कमल का फूल। कमल का फूल ही क्यों? कमल के फूल से ही कुछ उम्मीद करी जा सकती है थोड़ी बहुत ही। किस कैसी उम्मीद, क्या विकास चाहिए आपको? ये तालाब भरा हुआ है, इसको मतलब खाली करवाना है, उनसे क्या क्या हम करवा सकते हैं? और जैसे गंदगी है यहाँ से, वहाँ कूड़ा पड़ा है, उसे भी हम क्या क्या साफ करवा सकते हैं उनसे? ये एक महिला मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि कैसा विकास चाहिए, क्या क्या अब तक विकास हुआ है। आप बताइए कि 11 मई को जो चुनाव है कौन सी सरकार आनी चाहिए? हमें तो सफाई चाहिए, कोई सी भी सरकार आ जाओ, सफाई सबसे पहले है। इससे पहले यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी से थे, उन्होंने सफाई के लिए काम नहीं किया, विकास के लिए काम नहीं किया? भाई मेरे पता है। आप बताइए। हाँ सफाई चाहिए, यहाँ से पानी की दिक्कत, रहने की दिक्कत, यहाँ से न रखी पड़ा जहाँ भी रहे। कौन सा प्रत्याशी है जो जीत सकता है? कोई भी जीत जाओ, हमारे तरफ तो हम तो सही देते हैं। किसी किसकी उम्मीद आ रही है यहाँ से जीतने की, कौन सा प्रत्याशी? क्या पता हमें किस की आ रही है, किसे बता रहे हम? चीज का हमें जरूरत है, बताइए। कमल का फूल जीतो या मेरा कार वाला जीते, बाकी कोई जीतो या ना जीते यही करेंगे हमारे मौलिक समाधान, बाकी कोई नहीं करेगा। सब मांगा नाम है, कोई नहीं कुछ करता, चले जाते हैं सब। ये भी बोलना चाह रही है, बताइए। क्या 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 विकास देख रही हैं? देख रहे जी, हम तो बहुत काफ़ी दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे, सभी विकास देख रहे हैं। सफाई भी टाइम से हो जावे और जोड़ भी कितनी बार खाली करा चुके हैं यहाँ पे, और जो भी बात हम रखते हैं अपनी वो तुरंत समाधान होता है उस चीज़ का, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पुरुष भी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या क्या पुरुष होने के नाते क्या क्या देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी इनके लिए काम कर सकता है, बताइए। सुधीर मान ही कर सके जी हमारे लिए तो काम, या अब तक अमित राणा जी ने करा और कोई करे नहीं यहाँ से। ऐसा क्यों लग रहा है कि और कोई नहीं कर सकता? बस जी और तो देखा क्या नाम है, पहले भी सरकार आई बहुत, पहले भी से यहाँ से गंदगी रही, पर जब से हमारी सरकार आई बीजेपी तब से ही यहाँ सफाई वगैरह सब होती है। महिलाओं से मेरे को एक ये चीज़ भी पूछनी है कि यूपी में बीजेपी आने के बाद महिला सुरक्षा कितनी बढ़ी है, पहले भी बहुत सी पार्टियां रही है, तो बीजेपी के बाद क्या सुधार दिखा है? जब से बीजेपी आई जी महिला बिल्कुल खुली घूम रही, कोई दिक्कत नहीं है, रात दिन जहाँ पे भी खुले दिल से जाती है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की।
बिल्कुल जहाँ भी तैसे नहीं रहे, अपने घर में ही जा रहे, कोई परेशानी नहीं, कोई गुंडा राज दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, कोई गुंडा ही नहीं, कुछ नहीं है, गुंडागर्दी बंद हो रही है यहाँ, कोई गुंडा के बाहर आगे भी खड़ा होना नामुमकिन था। लेकिन अब जो है ना, अब बच्चे रात को 1 बजे 12 बजे किसी टाइम भी, लड़की भी सुरक्षित है सब जगह, सब सब वातावरण सभी सुरक्षित है। यहाँ पर कुछ पुरुष भी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या क्या दिख रहा है। ये बोलेंगे प्रधान फिर भी नहीं, प्रधान जी मेरे पास तो नहीं है, बोलने क्या बोलूं बताओ। कौन सा प्रत्याशी दिख रहा है यहाँ से आता हुआ? बीजेपी। ऐसा क्या है बीजेपी में खास जो काशी करवाया जी? अभी तक जो भी काम करवाए उन्होंने बढ़िया ही करवाए, और आगे भी बीजेपी ही आवेगी। पहले मित्राणा जी थे, सुधीर मान जी, वे भी आवेंगे बीजेपी से, बाकी और किसी का मैं पता नहीं, पर बीजेपी जरूर आवेगी जी। आप बताइए क्या बताऊं, बीजेपी आएगी, आरएलडी आएगी 11 मई के चुनाव में, किसको आएगी? जरूर आएगी। ऐसा क्यों कि बीजेपी क्यों? बीजेपी ने सारा कर रखा, क्या क्या विकास किया? सारा ही कराया भाई, राशन भी दिया, सिलेंडर भी दिए, तेरा विकास कर रखा मोदी और योगी जी ने, बतेरा विकास कर रखा। आने वाले उसमें सुधीर मानी 11-13 तारीख को यहाँ के चेयरमैन बनेंगे, और कोई नहीं बनेगा, बीजेपी की फुल सपोर्ट में है जी, बीजेपी ही आवेगी। कोई और ऐसा प्रत्याशी नहीं दिख रहा जो उनको टक्कर दे सकता है? उनको टक्कर कोई नहीं देने का, आने वाली 11 तारीख में कमल का ही बटन दबेगा, खुल के बीजेपी आवेगी। बीजेपी टक्कर कोई भी दे सकता है, लेकिन जीतेगी बीजेपी। ठीक है, यहाँ से देखा हमने, लोगों की राय ली, जाना कि 11 मई को जो चुनाव है कि किसकी सरकार आ सकती है। बीजेपी से यहाँ की जनता बेहद खुश दिख रही है, जनता का क्या फैसला होगा ये 11 मई को देखेंगे कि किसको विजय बनाएगी बड़ौत से। देखते रहिए भास्कर समाचार।